अब खबर फरीदाबाद से है, जहां के स्लम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते इनको वैक्सीन नहीं लगाई गई है। अब ये वो लोग हैं जो अलग अलग कॉलोनियों में सेक्टर में जाकर सामान बेचते हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इनके लिए भी वैक्सीन का प्रबंध किया जाए। रिपोर्ट देखिए। आधार कार्ड आज हर व्यक्ति की पहचान है, कोई भी सरकारी सुविधा हो चाहे अन्य कोई काम, सभी में आधार कार्ड की मांग सबसे पहले की जाती है। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने में बाधा आ रही है। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहाँ के लोग कूड़ा कचरा इकट्ठा कर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें आधार कार्ड ना होने की वजह से वैक्सीन भी नहीं लग पाई। मम्मी पापा का आधार कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ उसके जोरे से बनवा के मेरा आधार कार्ड तो मैं इंजेक्शन जाके लगवा दूँगा। गया था मैंने तो लगाया नहीं, तो मेरे को बोलने लगा आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड लिया ऐसे बोलने लगे। आधार कार्ड होगा तो मेरा फ्री सेवा हो जाएगी, लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो मैं कहाँ से लगवा हुआ। क्या काम करते हो? कप गिलास क्रोकरी का काम करता हूँ, टब बाल्टी बेच लेता हूँ, क्रोकरी का काम कर लेता हूँ। गलियों गलियों में घूमना मेरा काम है, सेक्टरों में घूमने का मेरा काम है भैया। अब गरीब आदमियों को भाई आधार कार्ड नहीं बनेगा, और आधार कार्ड बनेगा तो जब हम खुद जाके लगवा देंगे टीका। वहीं ये लोग रोजाना घर से बाहर अलग अलग जगह जाते हैं, घर घर जाकर सामान बेचते हैं। इन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, यानी कि बिना आधार कार्ड ये लोग भारत में रहकर भी भारतवासियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोई प्लानिंग करे। मेरे लेडीज और मेरी लड़की दोनों वैक्सीन लगवाने की थी मेडिकल, तो बोले आधार कार्ड नहीं है इसलिए उनको लगाया नहीं। मैं विभाग समाज से कहता हूँ कि वो घर बैठे ऐसी सुविधा करे कि घर बैठे जिसके आधार कार्ड नहीं है उसको वैक्सीन लग सके। गौरतलब है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो लोग इस महामारी के वक्त वैक्सीन से वंचित हैं। ऐसे में देखना होगा स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठाता है, ताकि इन्हें कोरोना के साए से बचाया जा सके। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक।